नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 ऐसे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आपकी होने वाली है जम के कमाई। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि कल हमने आपको जो आइडियाज बताए थे उसमें किस तरह की कमाई हुई। आपको देखिए, मेरे तरफ से बेस्ट पिक था शोभा लिमिटेड, वहाँ देखिए किस तरह की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। डबल डिजिट के आसपास के गेंस देखने मिले। कल्याण ज्वेलर्स में आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी। अतुल लिमिटेड में आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी। ये तमाम वो काउंटर्स है जहाँ पे तेजी आपको भरपूर देखने मिली है। डबल डिजिट के गेंस जो है इन काउंटर्स में आपको देखने मिले। और आशीष, टाइटन में आपने ऐसा क्या बोला था जो कल 10% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर में देखी गई? 10% से बड़ा उछाल देखने को मिला। शोभा आपकी टीम में था, शोभा 18% की तेजी देखने को मिली थी। सभी स्टॉक्स में खास बात ये रही कि किसी में आपको 15-16% का गैप अप नहीं देखने को मिला। धीरे धीरे बाजार के दौरान जो है तेजी देखने को मिली, यानी सबको भरपूर मौके मिले यहाँ पर मुनाफे के। और एक और खास बात, कल काफी दिनों के बाद ऐसे स्टॉक्स रहे थे मेरी लिस्ट में, 8 स्टॉक जो वायदा बाजार में आने वाले थे, उनमें से 6 स्टॉक मेरी लिस्ट में थे और 6 के 6 स्टॉक्स में आप देखें शानदार प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला। लेकिन मुझे चौंकाया बंधन बैंक ने, क्योंकि बंधन बैंक ऐसा स्टॉक है जो ज्यादातर बैंकिंग के साथ इतना चलता नहीं है सिंक में। लेकिन कल यहाँ पर भी देखिए, शुरुआत सुस्ती के साथ हुई थी, उसके बाद अब हमारे लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। दिन के दौरान 7.5-8% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। यानी कल की टीम में देखिए ना वरुण, कल सिर्फ एक NHP ऐसा था जिसने NHPC जिसने मुझे हल्का सा निराश किया। हालांकि बढ़त उसमें भी थी, लेकिन स्टॉक है ना करीब 1% ही चला। जो 34 रुपए के आसपास के लक्ष्य उन्हें हासिल होने में थोड़ा सा समय लगेगा। यानी कल 20 के 20 जो स्टॉक्स हमने आपको बताया ना, सब सुपर हिट रहे। एवरेज रिटर्न इनका निकालेंगे कल तो कम से कम 8-10% के आसपास, आराम से, बड़े आराम से। तो एक ही दिन में आपने 8-10% के आसपास की कमाई की है अगर आपने ट्रेडर्स डायरी देख के इन स्टॉक्स में खरीदारी की है। और आज भी हम आपको ऐसे ही स्टॉक्स बताएंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि एक बार ग्लोबल संकेत कैसे हैं। तो SGX निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है 17,850 के पास। तो फिर से एक बार हम वो हाई लेवल्स पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नर्वस माहौल आपको शायद देखने मिल सकता है। हालांकि US मार्केट से अगर आप देखेंगे तो संकेत अच्छे हैं, वहाँ पे हरे निशान में क्लोजिंग हुई है। नो डाउट ऊपरी स्तर से थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स, नैसडैक फ्यूचर्स को देख लीजिए, यहाँ अभी भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। और चाइना का मेरे ख्याल से आज इनने ट्रेडिंग शुरू की है फिर से छुट्टियों के बाद, एक हफ्ते की छुट्टी के बाद देखिए फिर से लौटे हैं। छुट्टियां मिलती और एशियन में, हाँ चाइना में बहुत छुट्टियां मिलती है, बहुत छुट्टियां मिलती है। चाइना चले नहीं तो चलिए, तो अगर आप एशियन मार्केट देखेंगे तो वहां भी हरे निशान में कारोबार। और निकल देखिए 625 के आसपास की तेजी दिखा रहे हैं। तो ग्लोबल क्यूज अगर आप देखेंगे ना आशीष, तो वो काफी अच्छे हैं। और कल भी हमने आपको यही कहा था कि क्यूज काफी अच्छे हो, दिन के दौरान भी आपको तेजी देखने मिलेगी। और खासकर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में देखिए गजब का मोमेंटम कल देखने मिला था। आज हो सकता है मोमेंटम, क्योंकि आप ज्यादा हाइस पे पहुंच चुके हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत थकेगा मार्केट, लेकिन आज भी स्टॉक्स पर रिएक्शन जरूर रहेगा और वही हम आपको बताने वाले। अच्छा, दो रिस्क है, एक तो इवेंट रिस्क है, मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला आना है, इसके लिए भी बैंकिंग काउंटर नहीं लिया। अच्छा, एक और रिस्क है, ओवरनाइट रिस्क। ठीक है, ओवरनाइट रिस्क तो मेरे को, मुझे लगता नहीं कि शायद कोई बहुत बढ़िया ऐसा कौन सा इवेंट है ओवरनाइट जिसका रिस्क लेके बाजार में देखा ना कि आमतौर पर काफी दिनों से फ्राइडेज का अगर आप ट्रेंड देखो ना, थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा नर्वस कारोबार देखने को मिलता है। वो जो उत्साह जो है ना, अब जैसे मिसाल के तौर पर हमें कल देखने को मिला, अगर ऐसा जो उत्साह आज फिर से आ जाए तो फिर बात ही क्या है। ऐसा आज मुश्किल है, चाहते हैं ऐसा आज मुश्किल है, आज शायद आपको उत्साह का उत्साह देखने नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ ठीक है, ये दो रिस्क जो आपने हाईलाइट किए इसको भी मद्देनजर। आज कोई स्टॉक है बिकॉली वाला? नहीं, आज कुछ नहीं लेता, तो शायद बैंकिंग ले लेता मैं, लेकिन मैंने सोचा चलिए RBI पॉलिसी के लिए रुक जाते हैं, उसके बाद देखेंगे बैंकिंग रियल एस्टेट उसमें है ना। तो चलिए कैश के काउंटर से शुरू करें, ठीक है। तो मैं पहले कैश का काउंटर आपको बता देता हूँ, जो मैंने लिया है वो है EIH लिमिटेड। इस काउंटर में आपको खरीदारी करना है। देखिए, जो आपने हेडलाइन में भी पढ़ी कि चार्टर्ड विमान से आने वाले विदेशी पर्यटक जो है उनको 15 अक्टूबर से टूरिज्म वीजा मिलने वाला है, 15 नवंबर से बाकी सभी विदेशी यात्री जो है वो भारत में ट्रैवल कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा ट्रैवल रिलेटेड इशू जो था वो अब रिजॉल्व होता नजर आ रहा है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको अक्रॉस होटल काउंटर्स, अक्रॉस एविएशन काउंटर्स आज देखने मिलेगा। EIH लिमिटेड ओबराय होटल्स को ये रन करती है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे होटल्स है, प्राइम होटल्स, जिसको कहीं ना कहीं विदेशी लोग पसंद भी करते हैं भारत में आने के बाद। तो इसके चलते आज इस खबर का इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए EIH लिमिटेड यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 142 के लक्ष्य के लिए, 134 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट मेरी टीम में आज काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि टूरिज्म रिलेटेड है, क्योंकि ये खबरें जो आई है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट। और मेरे ख्याल से UK ने वो जो वैक्सीन थी उसको भी अप्रूवल दे दिया, राइट, डेफिनेटली। तो इन सब का इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने मिलेगा। EIH लिमिटेड में खरीदारी कीजिएगा। तो वरुण, मेरी लिस्ट में जो है ना कैश का स्टॉक है लवेबल लॉन्जरी, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए।
और अचानक से कल के सत्र में आप देखिए जो अंतर्वस्त्र बनाने वाली कंपनी है वो दोबारा फोकस में आती नजर आई, और पेज इंडस्ट्री जैसा बड़ा हाथी है ना, वो अगर 10% चल जाए तो आप समझ सकते हैं कि आप एक बार पेज इंडस्ट्रीज का चार्ट जो आपके सामने फायर करके दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार का बड़ा और मैसिव मूव जो है यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिला था पेज इंडस्ट्रीज में। देखिए 10% 35,000 का स्टॉक है और वो भी 10% वो भी वायदा बाजार का स्टॉक है, उसमें इतने बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए ना कि क्या ह्यूमंगस मूव यहाँ पर देखने को मिला, और 10% की तेजी के साथ तो स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इस स्पेस में काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बजेंगे। लवेबल लॉन्जरी कल के सत्र में ब्रेकआउट हुआ है, स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। डॉलर इंडस्ट्रीज ये भी एक स्टॉक ऐसा है जो मेरे रडार पर है, यहाँ पर भी आप खरीदारी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं सजेस्ट अभी फिलहाल लवेबल कर रहा हूँ क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सामने नजर आ रही है। 5 रुपए तक की अपसाइड एक्सपेक्टेड है, 127 रुपए का लक्ष्य होगा, 119 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस लिस्ट को। आगे बढ़ाते वरुण, अगली हमारी कैटेगरीज है फ्यूचर की, और फ्यूचर में मैंने चुना है वोल्टास। यहाँ पर आपको फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए, टाटा ग्रुप के सभी स्टॉक्स जो है ना बहुत बसेंगे, बेहतरीन वैल्यू इनके अंदर, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और सबके सब में आप देखिए ऐसा लग रहा है कि फंड्स की तरफ से पीएमएस की तरफ से इन स्टॉक्स के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े मैसिव मूव जो है ना वो तभी देखने को मिलते हैं जब संस्थागत निवेशक इन स्टॉक्स में खरीदारी करते हैं। तो वोल्टास यहाँ पर फ्यूचर्स में आप पोजिशन बनाकर चल सकते हैं, 1330 ये बहुत बड़े आराम से विजिबल यहाँ पर नजर आ रहा है, 1286 के आसपास की क्लोजिंग है, 1277 का लगाना होगा स्टॉप लॉस। चलिए तो वोल्टास में आपको खरीदारी करनी है फ्यूचर में, और फ्यूचर में जिस स्टॉक में मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ आशीष एनी गेस, फ्यूचर IRCTC डेफिनेटली IRCTC नो ब्रेनर हो गया फिर से यही वो स्टॉक है। और आशीष मैंने कभी भी आज तक 3 दिन कंटिन्यूस कोई भी स्टॉक नहीं दिया, इनफैक्ट 2 दिन से ज्यादा हो गए, ये तीसरा दिन है, नहीं तीसरा दिन वैसे अगर ओवरऑल आपकी कवरेज में देखेंगे कंटिन्यूस स्ट्रीक 3 दिन की है, हाँ कंटिन्यूस स्ट्रीक 3 दिन की है, वैसे अगर देखें तो 1500 के लेवल से सुझाते जा रहे हैं, और देखिए ऑलमोस्ट 4,500 के आसपास पहुंच चुका है, और कल मैंने कहा था 4,600 का लक्ष्य देखने मिलेगा, 4,700 के आसपास कहाँ रुकेगा ये भी बता दो आप। आशीष जब तक इसका वो एक्स डेट नहीं आएगी ना स्टॉक स्प्लिट की, ये नहीं रुकने वाला, मैं आपको इतना बता देता हूँ। अगर कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है ना, आई एम सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, लेकिन आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि रोज लगातार स्टॉक बढ़ रहा है और रोज लगातार आप रिकमेंड कर रहे हो और मुनाफा बन रहा है, बहुत बड़ी बात डेफिनेटली आशीष, और आज भी बनेगा। देखिए जैसे कि एक तो ये रीजन है कि जब तक इसका वो एग्जिट नहीं आएगी तब तक तो ये चलते जाएगा, दूसरा ये बैन में नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात है इतनी तेजी के बाद भी ये काउंटर बैन में नहीं आ रहा, और जब तक ये बैन में नहीं आएगा ना तब तक इस काउंटर में तेजी कायम रहेगी, जिस दिन बैन में आ जाएगा उसके बाद आपको शायद थोड़ी सुस्ती देखने मिलेगी। इसके लिए फिर से मैं इसमें आपको खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ, जब तक बैन में नहीं आए ट्रेडिंग के काफी बेहतरीन मौके जो है वो आपको IRCTC में देखने मिलेगा। 2 डेट याद रखिएगा, एक तो इसकी एग्जिट स्टॉक स्प्लिट की, और एक ये जब जब बैन में आता है वो, अगर ये दोनों जब तक नहीं आए तब तक स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। 4,800 के लेवल आज आपको देखने मिल सकते हैं, 4,660 का आप एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, और जैसे कि मैं लगातार आपको डिस्क्लोजर देते जा रहा हूँ मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है, तो ये आपको एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, और ऑप्शन के जरिए आपको आज इंडियन होटल्स में 197.5 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 14 के लेवल देखने मिल सकते हैं, 10 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। जैसे कि मैंने कहा कि जिस तरह से अब इंडिया में जो विदेशी यात्री है उनको अप्रूवल मिल रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है तमाम आपको काउंटर्स पर देखने मिलेगा, और खासकर इंडियन होटल्स EIH जैसे काउंटर्स जो कि कहीं ना कहीं विदेशी यात्रियों के फेवरेट डेस्टिनेशन यू नो स्टे है, ताज होटल्स आप देख लीजिए, तो उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए इंडियन होटल्स में आप यहाँ पे कॉल खरीद के चल सकते हैं, 14 रुपए के आसपास के लग देखने मिलेंगे, 10 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अच्छा मेरे पास भी स्टॉक है जो ना थोड़ा सा स्लाइटली कोरिलेटेड है सबसे, अच्छा अच्छा पूरी तरीके से तो होगा कि नहीं तर्क लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोरिलेट हम कर लेंगे। अरे टूरिज्म बढ़ रहा है तो मांग भी स्वाभाविक है कि बढ़ती हुई नजर आएगी, और बिजनेस मुझे बहुत पसंद है वरुण, है ना, शायद ही बहुत कम ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पर है ना ब्रांड की ऐसे लॉयल्टी होती है कि एक ब्रांड आपने पकड़ लिया जीवन भर उसी के साथ आप रहेंगे, और आपको ये चाहिए आपको चाहिए मतलब आपकी कोई ब्रांड लॉयल्टी है नहीं मेरी जो है ना कंपनी लॉयल्टी है, मुझे पसंद आती है यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल मैंने आपको रेडिको खैतान बताया, सब पसंद करें हम कंपनी को पसंद करेंगे। कारोबार बहुत शानदार है और स्ट्रक्चर बढ़िया है, कल के सत्र में ब्रेकआउट भी आया, तो क्या करेंगे यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीद कर तेजी की पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं, और यहाँ पर जो है आपको खरीदारी करनी है 900 रुपए के कॉल ऑप्शन में, टारगेट होगा करीब करीब 42 रुपए का, और स्टॉप लॉस लगाना है 30 रुपए का। आज के सत्र में क्विक ट्रेड जो है ये साबित होके चल सकता है, तो चलिए वरुण से जानते हैं उनकी टेक्नोपेक। डेफिनेटली टेक्निकल एक स्टॉक मुझे पसंद है और वो है मास्गर टॉप, इसे बहुत स्लो चलता है काउंटर, कोई ज्यादा आपको ज्यादा उतार चढ़ाव देखने मिलता नहीं है, लेकिन आप इस कंपनी के पीयर्स को कल देखिए किस तरह की तेजी इस कंपनी के पीयर्स में देखने मिली, जितने भी काउंटर्स थे वहाँ पे जितने शिपिंग रिलेटेड काउंटर्स थे, खासकर आप ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग देखिए वहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी देखने मिली, गार्डन रीच में देखिए खासकर गार्डन रीच में काफ़ी बेहतरीन तेजी देखने मिली थी, तो मुझे लगता है कि
इस काउंटर में भी मोमेंटम जो है अभी बनना शुरू हुआ है। कल अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी हरी कैंडल इस काउंटर में देखने मिली थी। अगर एक हरी कैंडल कंटिन्यू होती है, जो कि मुझे लगता है कि कंटिन्यू होगी, तो यहाँ से एक बड़ा अपसाइड जो आपको मास्क में देखने मिलेगा। फिलहाल कंसोलिडेशन से थोड़ा बहुत ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, ये ब्रेकआउट आगे भी जारी रहेगा। इनिशियल 270 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये मोमेंटम आगे बढ़ गया तो ये आपको 280 या 300 के आसपास के लेवल भी दिखा सकता है। इस तरह के पोटेंशियल, इस तरह का ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। अपने रडार पे रखिएगा इस काउंटर। अच्छा वरुण, जो आपने मेंशन किया ना कि थोड़ा सा स्लो चलता है, इस स्लो चलने के चक्कर में मैंने गार्डन रीच चिप बिल्डर छोड़ दिया था स्टॉक 3-4 दिन पहले। चार दिन में उसमें मूव आया 20% का। बड़ा शांति वाला मूव है, ऐसा नहीं कि बाजार जब गिरेगा तो गार्डन रीच सबसे ज्यादा गिरने में आगे होगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो पेशेंस है ना, उसके साथ आपको स्टॉक में पोजीशंस लेनी है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मैं अपना टेक्नोपिक आपको बताता हूँ, मैंने चुना है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी शानदार है, टेक्निकल स्ट्रेंथ स्टॉक की बहुत बढ़िया है, और सबसे अच्छी बात है पूरा स्पेस है ना भजेंगे, और अभी भी यहाँ पर स्टीम बचा हुआ है। तो खरीदारी करके चलेंगे 480 के लक्ष्य के लिए। 436 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक में मैंने वो स्टॉक चुना है जो काफी लंबे समय पहले मैंने आपको टेक्नो पिक के तौर पे बताया था, वो है बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेज। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है कि स्टॉक लगातार सर्किट चलता है, 5% का सर्किट है, तो इसके लिए खरीदारी करने का मौका नहीं मिलता था। और जो भी स्टॉक 5% के सर्किट पे बंद होते ना, वो स्टॉक हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको फिल नहीं मिलेगा। लेकिन कल काफ़ी दिनों के बाद ऐसा समय आया कि जिसमें स्टॉक में ना केवल 2.5% के मूव के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, तो सर्किट पे बंद नहीं हुआ है, और फंडामेंटल्स इस कंपनी के बेहतर हैं, टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया है। तो 1088 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, 1025 रुपये का लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए, तो बटरफ्लाई गांधीमती आज फिर से एक सर्किट लगने की तैयारी में है आशीष के बोलने के बाद। चलिए, फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है इंटरग्लोब एविएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस तरह से इंडिया में अब शुरू हो रहा है फॉरेन ट्रैवल, तो उसका इंपैक्ट इंटरग्लोब एविएशन पे देखने मिलेगा। 2000 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 1920 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला है आईपीएल काउंटर, और आईपीएल स्टॉक जो आज मेरा पसंद का है वो है मैसेज बेटर फूड्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, 2-3 रीज़न है इसके वजह से जिसमें खरीदारी की सलाह मैं दे रहा हूँ। एक तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट बिस्किट्स मार्केट्स में और ब्रेड सेगमेंट में ये कंपनी जो है वो काफ़ी जानी मानी कंपनी है, वेल एस्टैब्लिश प्लेयर है। काफ़ी सारे तर्क है जो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ा तर्क ये है कि आईपीओ आने के बाद मेरे ख्याल से 650-700 के आसपास के लेवल इस काउंटर ने दिखाए थे, उसके बाद आप देखिए 400 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अच्छे, और आपको इन स्टॉक्स आज के समय में आपको वैल्यू बाइंग करनी चाहिए, उन स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए जो कि फंडामेंटली अच्छे हैं और काफ़ी निचले स्तर पे आ चुके हैं। शायद लोग कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स को भूल जाते हैं, रोज याद नहीं आते, तो उन स्टॉक्स की कैटेगरी में है। लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, 500 का लेवल तो डेफिनेटली है, अगले 1-2 महीने में आपको देखने मिलेगा, अगले 4 महीनों में 600 या उसके ऊपर के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। और आशीष, कुछ डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस है वो भी इस कंपनी के ऊपर अब टारगेट निकाल रही है। मेरे ख्याल से LKP सिक्योरिटीज का एक रिपोर्ट आई थी जिसमें करीब 650 के आसपास के टारगेट वो भी दे रहे हैं। तो वैल्यू बाय है, इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना। बिल्कुल, नो डाउट वैल्यू बाय है, क्योंकि वरना थोड़े दिन पहले मैं देख भी रहा था कि इसका कंपैरेटिव है ब्रिटानिया के साथ डायरेक्टली, राइट है ना, और उसके हिसाब से आप देखें तो ब्रिटानिया के वैल्यूएशन से आधे वैल्यूएशन पर स्टॉक चल रहा है। वो कैचअप जरूर होगा क्योंकि कंपनी का साइज है छोटा। मिसेस विक्टर्स फूड, मेरा भी पूरा भरोसा है स्टॉक के ऊपर। मैं अपना आईपीएल स्टॉक यानी निवेश के लिहाज से बताता हूँ, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक में अच्छी वैल्यू है, अच्छा बिजनेस है, और सबसे बढ़िया बात, जब आपको मुंबई में पेट्रोल 109 रुपये के पार देखने को मिले ना, तो एक नेचुरल हेज बन जाता है। ऑयल एंड गैस कंपनीज हो या फिर ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज जो है वो कच्चे ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही ना, उसके लिए एक नेचुरल हेज है। यहाँ पर 6 महीने के लिए अवधि के हिसाब से खरीदारी करके चल सकते हैं, 400 रुपये का लक्ष्य होगा। डेफिनेटली मार्केटिंग मार्जिन भी बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली HPCL, IOC लगातार आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर काफी बुलिश हो रहे हैं। देखते हैं स्पेस में क्या क्या होता है। लेकिन हाँ, तो आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने चुना अपना फेवरेट स्टॉक डिक्सन टेक्नोलॉजीज। खबरों के लिए आज से बता रहा हूँ, लेकिन बेहतर यही होगा कि इस स्टॉक को आप धीरे धीरे कम्प्लीट कीजिए, हर महीने इसमें SIP लगा लीजिए, क्योंकि कंपनी कर रही है कमाल, इसका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो चुका है। अब खबर आती हुई दिख रही है कि एसर के लिए लैपटॉप बनाएंगे, तो है ना समय थोड़ा कम है, मैं आपको ना सोमवार को बता दूंगा कि इनका कितना बड़ा पोर्टफोलियो हो चुका है। 6000 रुपये यहाँ से बहुत विजिबल है, 6-9 महीने का समय दीजिए। चलिए, डिक्सन टेक एक बेटर बेट है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मेरे तरफ से खबरों के दम पे जिस स्टॉक में खरीदारी की सलाह मैं दे रहा हूँ वो है रत्ना मैंने मेटल्स। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा क्योंकि इस कंपनी को कार्बन स्टील पाइप के लिए 98 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ऑयल एंड गैस सेक्टर से ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है, अगले 5 से 12 महीनों में
ये ऑर्डर जो है इस कंपनी को पूरा करना है। खरीदारी कीजिएगा इस काउंटर में 2290 के लक्ष्य के लिए 2170 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए बारी हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस के। यहाँ पे तीनों कॉल्स मैंने जो है टेक्निकल तौर पर लिए हैं। तो अवंती फीड जे स्टॉक ऐसा है जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मूव भी आ रहे हैं लेकिन बड़ा मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि कल के हाईस को एक बार टेस्ट करें और वहां से एक और फर्दर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। 600 रुपए का लक्ष्य होगा, 580 की क्लोजिंग है, टाइट स्टॉप लॉस लगाएंगे 570 रुपए का। आखिरी अगला स्टॉक है लिस्ट में एबी मनी। स्टॉक ज्यादातर रेडार पर आता नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सपोर्टिव है। आज संभावना थोड़ी सी कम है लेकिन किसी भी दिन एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में स्टॉक का लक्ष्य होगा 70, पार कर गया तो दोबारा रिव्यू करेंगे, 65 रुपए का लगाएंगे स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है मिडिल में फीम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। ऑटो एंसिलरी स्पेस काफी बचेंगे, वैल्यू काफी बेहतरीन है यहाँ पर और इस स्टॉक की जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है बहुत ही शानदार है। तो 1225 रुपए का लक्ष्य होगा, 1150 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस। माई चॉइस में पहला काउंटर है टाटा पावर, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा क्योंकि खबरें आ रही है कि टीपीजी जो है वो टाटा ग्रुप में करीब $1 बिलियन के आसपास का निवेश कर सकता है इनके ईवी यूनिट के लिए। जाहिर सी बात है तमाम टाटा ग्रुप कंपनीज जो है वो रडार पे रहेंगी लेकिन अगर ईवी की खबर आती है तो टाटा पावर काफ़ी हद तक फोकस में रहता है। 185 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 174 का स्टॉप लॉस रखेगा। ओबेरॉय रियल्टी में खरीदारी कीजिएगा, वैसे भी देखिए कल रियल एस्टेट काउंटर में अच्छी तेजी आई थी। इसके अलावा इस कंपनी ने अपने जो अपडेट दिया है उसमें साल दर साल कुल बुकिंग में 344% का जंप देखने मिला है, क्वार्टर क्वार्टर भी 412% के आसपास का जंप है। तो नंबर जो है वो काफ़ी बेहतर है, उसके चलते आज फिर से एक फॉलोअप बाइंग देखने मिलेगी। 970 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। और आखिरी में कोस्टल कॉप, यहाँ पर आपको खरीदारी करना है क्योंकि आज से काउंटर जो है उसकी एनएससी में भी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। और आपने देखा है जब जब एनएससी में ट्रेडिंग शुरू होती है किसी काउंटर की तो उसमें वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ जाते हैं, तेजी आती है। इसके लिए खरीदारी करना है 316 के लक्ष्य के लिए, 300 रुपए का स्टॉप लॉस भी रखिएगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो पूरी हो गई लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मिडिल लिस्ट में लवेबल लॉन्जरी, यहाँ पर 127 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। वोल्टास के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है, यूनाइटेड स्पिरिट्स 900 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर तेजी की पोजिशन बनाएंगे और टेक्निकली काफी शानदार काउंटर है। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है। बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस, निवेश के लिहाज से खरीदना है एचपीसीएल। और खबरों का असर देखने को मिलेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज में, अवंती फीड्स में ब्रेकआउट आएगा, एबी मनी और फीम इंडस्ट्रीज में भी दिन के दौरान तेजी एक्सपेक्टेड है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। टेक्निकल स्ट्रेंथ इस स्टॉक की काफी शानदार देखने को मिल रही है, स्ट्रक्चर सपोर्टिव है। 480 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है ईआईएच लिमिटेड, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में आईआरसीटीसी, फिर एक बार आपको खरीदारी करना है 4800 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस में इंडियन होटल्स का 197.5 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जिस तरह से ट्रैवल में रिस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। टेक्निकली मास्गोडॉक अच्छा लगता है, फंडामेंटली इंटरग्लोब एविएशन में खरीदारी कीजिएगा 2000 के लक्ष्य के लिए। आईपीएल स्टॉक है बेक्टर फूड, यहाँ पे खरीदारी करना है। खबरें रत्नामणि मेटल्स में है तो आप खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में टाटा पावर, ओबेरॉय रियल्टी और कोस्टल कॉप, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है बेक्टर्स फूड। देखिए फंडामेंटली काउंटर तो अच्छा है लेकिन जिन वैल्यूएशन पे काउंटर उपलब्ध है वो काफ़ी अपीलिंग है, यहाँ से एक बड़ी तेजी जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेगी। खरीदारी करके चलेगा, अगले 4 से 6 महीनों में आपके काउंटर जो है वो 600 के आसपास के लेवल दिखा सकता है।